धनबाद रेलवे स्टेशन के बाहर चारों तरफ ऑटो ड्राइवर ने इतना अतिक्रमण कर रखा है कि आए दिन आम लोगों से लेकर रेल यात्री परेशान रहते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं होता जब रेलवे स्टेशन के बाहर लंबा जाम ना हो और गाड़ियों की लंबी कतार खड़ी होकर हॉर्न ना बजाती हो। धनबाद रेलवे स्टेशन के बाहरी इलाकों में और श्रमिक चौक के पास ऑटो चालकों की दबंगई चलती है। बीच सड़क पर ऑटो की पार्किंग करते हैं, यात्री बैठाने के लिए जैसे तैसे ऑटो लगते हैं और ट्रैफिक पुलिस इन्हें हटाने की हिम्मत तक नहीं करते। स्थिति है, वाहन अधिक हो गया है, संख्या ज्यादा है, इसके लिए थोड़ा सा रोड गया पुल के चलती जो है सकरा जगह है, इसलिए से थोड़ा सा वहाँ जाम का स्थिति होता है और ट्रैफिक की तरफ से हर संभव जो है उसको ट्रैफिक जाम ना लगे, इसके लिए जो है हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इस जाम से निजात पाने के लिए सबसे पहले चाहिए कि जिला प्रशासन ट्रैफिक रूल के बारे में ऑटो ड्राइवर और बाइकर्स को जागरूक करे। जिले में प्रॉपर ऑटो स्टॉप हो ताकि ऑटो वहीं रुके और यात्री वहीं चढ़े। इससे सड़क से जाम भी हटेगा और एक्सीडेंट में भी कमी आएगी और शहर का सड़क खुला रहेगा, जिससे लोगों को परेशानियों से निजात मिलेगी। वो तो बात है सर, क्या करें, गलती हो गया सर। ये स्टैंड तो है नहीं? नहीं सर, वैसे नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, गलती हो गया सर, आज के बाद नहीं लगेगा। हम लगा रहे कहाँ, ये चलते जाम है तो स्टेशन में भैया तो हम लगाए नहीं है, अभी सवारी बैठाएंगे और चले जाएंगे। बस एक दो वो ट्रेन आता तो पूरा जाम हो जाता है, यहाँ पर पब्लिक को परेशानी हो जाता है रोड पार करने के लिए। यही परेशानी है, दुकानदार में परेशानी होती है, जो कस्टमर आने वाली होती है वो आ नहीं पाती है। टेम्पो जहाँ लगा हुआ रहता है उनसे इधर नहीं आ पाता, आगे करके निकल जाता है, हम लोग बहुत दिक्कत होती है इनसे। धनबाद के डीटीओ का कहना है कि सड़क जाम ऑटो और टू व्हीलर के कारण ही लगता है और पिछले एक महीने में उन्होंने वहां चेकिंग में नो पार्किंग, हेलमेट चेकिंग, लाइसेंस चेकिंग के दौरान 26 लाख रुपए वसूले। जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में ये निर्णय लिया जाएगा कि कहां ऑटो और फोर व्हीलर के लिए स्टैंड बनाया जाए ताकि इस जाम से निजात मिल सके। एक्सीडेंटल जो काउजेज हैं उस पे ज्यादा हम लोग स्ट्रेस दिए, जैसे बाइक्स पे कार वाले विदाउट सीट बेल्ट चल रहे हैं, बाइक्स वाले ट्रिपल राइड चल रहे हैं या विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस, विदाउट हेलमेट चल रहे हैं, उन पे विशेष अभियान। तो अभी तक लगभग हम लोगों ने अभी तक इस जिले में करीब 2400 गाड़ियों को हम लोगों ने चेक किया है, छोटी बड़ी गाड़ियों को मिलाकर, और लगभग 26 लाख रुपए का फाइन अभी तक वसूली हो पाई है। जाम की समस्या सिर्फ धनबाद नहीं बल्कि पूरे शहर की है। जरूरत है जागरूकता और यातायात नियमों के पालन की, जो बिना सहभागिता के संभव नहीं है। कुंदन, न्यूज 11, धनबाद।